हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल आर किराए सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिससे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने हैं, जो कि पेपर में आपको पता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा वो सही विकल्प चुनकर लिखिए, यही क्वेश्चन रहेगा। भोपाल ने जारी की है प्रश्न बैंक, उसके ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम आपको बता रहे हैं, तो बने रहना है वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज इसके पार्ट हम जारी करने वाले हैं, पहला पार्ट है ये इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को नहीं करते हैं बर्बाद, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब का, और बगल में ऑल पर बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, जो पद्य साहित्य है उसका दूसरा काल कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से स्टूडेंट देख लीजिए, रीतिकाल ऑप्शन एक है, दूसरा ऑप्शन है भक्तिकाल, तीसरा ऑप्शन है आदिकाल, और चौथा है आधुनिक काल। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में लिखिएगा। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यस, आपका बिल्कुल सही सोचा आपने, भक्तिकाल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया है, दूसरा है, आधुनिक काल का आरंभ होता है, तो आधुनिक काल का आरंभ कब से होता है आपको अच्छे से समझना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, संबत 1900 से, संबत 1050 से, संबत 1375 से, संबत 1800 से। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सन और संबत अलग अलग होते हैं। सन यदि हम संबत में से 57 ईयर्स माइनस कर दें तो सन निकल आता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा काबाला, ठीक है, काबाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, संबत 1900 से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं हैं, तो इसमें से छायावाद के कौन से कवि नहीं हैं? तो आपको देखना है, निराला ये तो हैं, जयशंकर प्रसाद ये भी हैं, महादेवी वर्मा ये भी हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा घाबाला, ठीक है, सूरदास जी आधार स्तंभ कवि नहीं है छायावाद के। अगला क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं, तो इनमें से प्रयोगवाद के कवि कौन से हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा काबाला, अज्ञेय, ठीक है, सा ही बात्सायन अज्ञेय, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नई कविता के कवि हैं, तो हमारा जो प्रश्न है वो है, नई कविता के कवि हैं, तो इनमें से नई कविता के कौन से हैं कवि? आपको देखना है, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, और चौथा है रघुवीर सहाय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भक्ति काल की समय सीमा है, अब आपको बताना है कि भक्ति काल कब से शुरू होकर के कब तक चलता रहा, तो भक्ति काल का सही समय आपको याद होना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा खाबाला, संबत 1375 से 1700 तक हमारा भक्ति काल चला, ठीक है। चलिए ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, तो प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है, जल्दी से बताइए स्टूडेंट, उत्तर हो जाएगा 1943 से, सन 1943 से, ये हमारा काबाला उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, तो आपने यदि सूरदास के पद पढ़े होंगे, उद्धव तुम तो बड़भागी, ठीक है, इस टाइप से जो आपने पढ़ा होगा सूरदास का, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तो इसमें नंद नंदन का प्रयोग कृष्ण के लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है, कृष्ण के लिए, क्योंकि नंद उनके पिताजी का नाम था और नंदन मतलब होता पुत्र, तो नंद नंदन मतलब कृष्ण के लिए यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, कैसी लगती हैं, तो कड़वी ककड़ी की समान लगती हैं, कड़वी ककड़ी सी, ठीक है, खाबाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गोपियों ने कृष्ण की तुलना की है, किससे की है, हारिल की लकड़ी से की है, ठीक है, काबाला आंसर हो जाएगा। यदि आपको याद नहीं है तो जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास समय है कम, हमारा 1 मार्च को पेपर है हिंदी का 9 बजे से, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, व्याधि शब्द का अर्थ है, तो व्याधि मतलब होता है रोग, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खाबाला रोग। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूर के पद में भाषा है, तो ये तो सबको पता है कि सूर के पद में कैसी भाषा है, ठीक है, सूर के पद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा, मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि सूरदास जी का जीवन परिचय भी आ सकता है, तो भाषा भावपक्ष और कलापक्ष लिखेंगे जब आप, तो उसमें आप भाषा को भी जिक्र करेंगे कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मर्यादा न लही, अगला क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, ठीक है, तो प्रेम संबंध की, इसका उत्तर हो जाएगा गावाला। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूरदास के गुरु थे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूर्य के आराध्य हैं, तो सूर्य के आराध्य कौन हैं, 15वां क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं, सूरदास जी के आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं, आपको पता होना चाहिए, उत्तर हो जाएगा खावाला। पुर इनिपात का अर्थ है,
पुर इनी पात का अर्थ, पात मतलब होता है पत्ता, ठीक है। तो पत्ता आपको समझना है, एक का वाले ऑप्शन में ही दिया है, पुर इनी पात मतलब कमल का पत्ता इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उसमें पूछा है कि सूर की रचना नहीं है, तो इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है, तो सूर सागर है, सूर सारावली भी है, साहित्य लहरी भी है, तो सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका, क्योंकि विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है, सही उत्तर विनय पत्रिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए किसने दिए, तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर लक्ष्मण जी ने दिए, आप सबको पता है, ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो आपका तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, रामचरितमानस से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो आप सबको पता है कि शिव के धनुष को टूटने पर परशुराम जी को गुस्सा आया था वो, ठीक है, आंसर हो जाएगा परशुराम। रामचरितमानस की भाषा है, तो आपको पता है रामचरितमानस भगवान राम अयोध्या के थे, अयोध्या को अवध बोलते हैं, तो अवधी भाषा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सहस्त्रबाहु का वध किया था, तो सहस्त्रबाहु का वध परशुराम जी ने किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, कैसी बता रहा है कवि अपनी आत्मकथा को, बड़ी भोली बता रहा है, तो आंसर हो जाएगा का वाला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थके पथिक की पंथा, देखो यहाँ अलंकार बताना है, तो पा यहाँ आया, पा यहाँ आया, तो अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि आप सबको पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स जल्दी से बताएं इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था उनको, तो घा वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं, आकाशदीप है, आंधी भी है, इंद्रजाल भी है, तो ये तीनों हैं, सही उत्तर हो जाएगा साये में धूप, ये नहीं है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो उत्साह कविता में बादल प्रतीक है क्रांति का, क्योंकि उत्साह है तो क्रांति का प्रतीक है, ठीक है, आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा अगला कि कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं, बाल कल्पना, क्या हो जाएगा, बाल कल्पना इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल कल्पना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 30वें नंबर का क्वेश्चन जो है, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, कैसा विशेषण प्रयोग किया है, विशेषण मतलब जो विशेषता बताते हैं, तो उत्तर हो जाएगा नवजीवन वाले, उत्तर सही हो जाएगा नवजीवन वाले, ये विशेषण प्रयोग किया है बादलों के लिए कवि ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, कैसे बरसने का आह्वान कर रहा है, तो आकाश को घेर कर, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आकाश को घेर कर बरसो, इस टाइप से आह्वान कर रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है, कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है, कै का संकेत किया है, तो जन सामान्य की पीड़ा का संकेत किया है, का वाला उत्तर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब हम 33 नंबर का क्वेश्चन है, नाश और निर्माण के रचनाकार हैं, तो इसमें से आपको बताना है नाश और निर्माण के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से सोचें और कमेंट में लिख दें, सही उत्तर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है, नाश और निर्माण के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है, तो प्रभुता का शरण बिंब हो जाएगा मृग तृष्णा, का वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नई कविता के समर्थ कवि हैं, नई कविता के समर्थ कवि कौन है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है, ठीक है, लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए, ठीक है, दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं, सूरत निरत काव्य संग्रह के कवि हैं, तो इसके कवि कौन से हैं, इसका सही आंसर है ऋतुराज, क्या आंसर हो जाएगा, ऋतुराज इसका सही आंसर हो जाएगा। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है, तो आपको ये समझना है और इसका जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, इसको याद ही कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी वार्षिक परीक्षा 1 मार्च के लिए।